आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट मिठाई, जिसको बनाने में केवल 5 से 7 मिनट लगेंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। त्योहारों का समय शुरू हो गया है, तो त्योहारों के टाइम पे हर घर में मिठाई बनती है और इस तरह के एकदम सॉफ्ट और नरम, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई हम बिना गैस जलाए बनाएंगे, बिना घी के बनाएंगे, बिना चाशनी, बिना मावे के, और बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लगती है ये मिठाई। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना हम शुरू करते हैं। 1 कप चीनी ले लेते हैं, इसको डाल देंगे मिक्सर जार में। और अब हम इसमें डालेंगे 3 इलायची और इसको हम पीस लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एकदम पाउडर बना लेंगे। इसका हमने ये पाउडर बना लिया है, अब हम इसको छान लेंगे। छानने से क्या होता है, इसमें जो इलायची के छिलके या चीनी के कोई क्रिस्टल बच जाते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, हमारे पास एकदम फाइन पाउडर आके तैयार हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से छान के तैयार कर लिया है। इसमें जो इलायची के छिलके थे और चीनी के जो दाने बचे हैं वो अलग हो गए हैं, और अब हम इसको अलग रख देते हैं। और फिर से हम लेंगे वही मिक्सी का जार और इसमें हम डालेंगे 1 कप भुने हुए चने, इसका छिलका निकाल लिया है मैंने, इसको भी हम पीस लेंगे एकदम बारीक करके। ये बहुत हेल्दी होते हैं चने, चनों में बहुत सारा कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर होता है, तो इसको मैंने पीस के तैयार कर लिया है। ये देखिए एकदम फाइन पाउडर हो गया है इसका भी, और इसको भी हम छान लेंगे। इसमें भी जो भी चने के जो क्रिस्टल या दाने बचे हैं वो छनने के बाद अलग हो जाएंगे, तो हमें एकदम फाइन पाउडर मिलके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको भी छान लिया है। ये देखिए इसमें बिल्कुल कोई भी दाने नहीं बचे हैं और जो बचे हैं वो बिल्कुल छन्नी में अलग आ गए हैं, और अब हमारे पास एकदम फाइन पाउडर तैयार है। और इसको हम नहीं डालेंगे इसमें जो इसमें ये दाने निकले हैं, और आप देख सकते हैं इतना बारीक पाउडर निकाल के हमने तैयार किया। और इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से क्या होता है, इसमें मावे का फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच फ्रेश मलाई डाल देते हैं, जो हमारे घर में दूध आता है उसी की मलाई है, और इस मलाई को भी हम इसमें डाल देंगे। और मलाई नहीं है तो इसकी जगह आप दूध डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको एक बार। ये सारी चीजें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं चम्मच से, तो अब हम इसमें डालेंगे, और बढ़िया फ्लेवर देने के लिए इसको, दूध में भिगे हुए केसर। 1 चम्मच दूध में मैंने कुछ केसर के धागे भिगा दिए थे, इसके कलर भी अच्छा आएगा और इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से, ये चम्मच से नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हाथों से मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम एक डो की तरह इसको हम तैयार करेंगे। अगर इसमें जरूरत पड़ेगी तो 1 से 2 चम्मच हम दूध और डालेंगे। अभी हमने मलाई डाली थी इसमें 4 चम्मच, और 1 चम्मच हमने केसर वाला दूध डाला है, और इसमें थोड़ा सा दूध की जरूरत और पड़ेगी तो हम इसमें 1 से 2 चम्मच दूध का और इस्तेमाल करेंगे, और इसी से हम एकदम सख्त रोल की तरह इसको बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमें इसको गीला नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। मैंने 4 चम्मच मलाई डाली थी, 1 चम्मच केसर वाला दूध डाला था और 2 चम्मच दूध मैंने फिर से डाला इसमें, और ये इस तरह के एकदम डो की तरह बन के तैयार हो गया है। और ये देखिए मैंने इसको एकदम आटे की तरह डो लगा के इसका तैयार कर दिया है। और अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। आप इसकी बर्फी भी बना सकते हैं, आप इसके रोल भी बना सकते हैं। तो मैं इसके पेड़े बना रही हूँ, इसका एक छोटा सा पेड़े साइज का लूंगे, नींबू के आकार का एक बॉल बनाएंगे इसकी हम इस तरीके से। और अब हम इसको देंगे पेड़े का आकार इस तरीके से, हाथों के बीच में रखेंगे और घुमाते जाएंगे, और अंगूठे से और नीचे उंगली से एक दबाते हुए इसको एकदम पेड़े का आकार देके हम तैयार करेंगे। अगर आपके पास कुछ इस तरह का मोल्ड है तो आप उसे मोल्ड से भी बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हल्के से दबाते हुए इसका एकदम बहुत ही बढ़िया पेड़े का शेप बन आ गया है इसमें, देखिए। और ये बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और पहली बार में एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इतना बढ़िया पेड़ा बन के हमारा तैयार हो गया है, और इसी तरीके से हम और सारे पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं। और इनको हम रख लेंगे एक प्लेट में इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही बढ़िया साइज आया है और एकदम परफेक्ट शेप बन के तैयार हो गया है।
तो हमें जब इसका हमने डो लगाना है, हमें उसे ध्यान रखना है कि इसको हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है। अगर ज़्यादा गीला करेंगे तो इनका एकदम बढ़िया शेप नहीं आएगा हमारे पेड़ों का। तो मैंने ये सारे पेड़े बना के प्लेट में रख लिए हैं, ये देखिए एकदम परफेक्ट। और सारे पेड़े अच्छे, सारे पेड़े बहुत ही बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो गए हैं। तो इसमें हम अपनी मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। अगर आपको इसमें ड्राई फ्रूट पसंद है तो डाल सकते हैं आप, नहीं तो इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं। आप इन्हें हफ्ते भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे, क्योंकि इसमें हमने पानी का, चाशनी का कुछ भी यूज नहीं किया है। और जो हमने भुने हुए चने लिए हैं वो भी काफ़ी दिनों तक हम स्टोर करके रख सकते हैं उनको। और मिल्क पाउडर लिया है और चीनी ली है, तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़राब होने वाली नहीं है। तो इसको बना के हम हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और बहुत ही अमेजिंग सी ये मिठाई बन के हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारे पेड़े बन के तैयार हुए हैं और बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है इसको बनाने में। और एक तोड़ेंगे तो एकदम सॉफ्ट और दानेदार बन के हमारी ये पेड़े तैयार हुए हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और अंदर से एकदम दानेदार बनी है। और इसमें जो हमने मिल्क पाउडर डाला था उससे बहुत ही बढ़िया मावे वाला फ्लेवर आता है इसमें, और उसका एकदम बाजार के जैसे पेड़े बनके तैयार होते हैं।